तेरी तखलीक के गुन गाती है। पता पता तेरी कुदरत का पता देता है। बेनजर भी जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा खानाए लाशूर में जगमगा रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा ऋतुओं
थैंक यू। आदाब अर्ज है। आदाब, आदाब, क्या हाल है? वही खुदा है, वही खुदा है आपके लिए। खुदा उनकी, मैं अगर मैं बोलूँ ना खुदा की तारीफ में, आप क्या बयान करेंगे, क्या बयान करेंगे खुदा की अल्फाजों में? अल्फाजों में भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन खुदा की तारीफ तो वो खुद खुदा ही है, क्योंकि हर चीज़ उसकी वजह है और हर चीज़ उसका हुक्म है, और जब वो इशारा करता है तो फिर ही पत्ता हिलता है। तो मेरे जैसा नाचीज गुनहगार बंदा उसकी तारीफ क्या कर सकता है? वो तो खुद तारीफ है, तारीफ उसके लिए है। सारी तारीफें जितनी दुनिया की, ज़मीन व आसमान जितने भी दुनिया है, उसके लिए है सारी तारीफ। खूबसूरत। तो हम बल्कि उनके उसके शुक्र गुजार हैं कि हमें वो तौफीक देता है कि हम अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनको खुश रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये उसकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, बाज़ लोग खुदा के लिए जब बात करते हैं, खुदा से जब बात करते हैं और कुछ मांग रहे होते हैं, तो इतना क्लोज होके मांग रहे होते हैं कि जैसे होता है ना, अल्लाह मियाँ आप ये कर दें, तो अब जैसे मैं कभी दुआ मांग रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह तू मेरे लिए ये कर दे, तो तू का बड़ा एक क्लोजनेस हो जाती है, ऐसा फील करता है तू कहने से वो मेरी बात पूरी हो जाएगी और मेरे बहुत करीब है अल्लाह। आप फील करते हैं इस तरह जब दुआ मांग रहे हो, तो तू का इस्तेमाल करते हैं, आपका करते हैं, क्या अल्फाजों में किस तरह देखते हैं? यही है कि खुदा से मोहब्बत भी करते हैं। I'm sorry, आपको माइक देना पड़ेगा जी। खुदा से मोहब्बत भी करते हैं और खुदा से डरते भी हैं। और मैं क्या बात कहूँ, मुझे एक हज़रत अली करमल्ला वजहो का एक कौल अकदस याद आ रहा है कि जो उस बारे इलाह के लिए उन्होंने फरमाया कि खुदा उसको कहते हैं जो इंसानी जहन में समा ना सके, जो इंसान की समझ में ना आ सके, इंसानी जहन में समा ना सके, जो इंसान को समझ ना आ सके। हाँ जी, तो खुदा का बस ये एहसान है कि उसने हमें मौका दिया है कि हम दुनिया में आके अपनी इनिंग्स खेलें और सब्र शुक्र के साथ चले, चौके छक्के ना लगे, चले सिंगल के साथ विकेट पे खड़े रहें। हाँ, बहुत बारीक बात की है और बहुत समझाने वाली बात की है। आई होप कि जितने देखने वाले सुनने वाले उनको ये बात समझ आई हो, क्योंकि बाकिर भाई जब भी कोई बात करते हैं तो बहुत बारीक बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं मगर बारीकी से। डिफरेंट स्टाइल है आपका, माशाल्लाह। ये बस अपने वालदैन की जूतियों का सदका है और उनकी तरबियत का सदका है। वाह, एक्चुअली ये साहिब इल्म की भी खसूसियत है, नो डाउट। नहीं जी, और मैं बताता चलूं कि मैंने इनके जो मेरे इनके अंकल हैं, मेरे भाई, मेरे वालिद साहब, इनके वालिद साहब हैं, तो वो मैंने उनसे मिला हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही एक मतलब एक इंसानियत से बिल्कुल वाबस्ता हैं और बहुत ही बैलेंस शख्सियत हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं उनसे मिला हूँ तो मुझे लगा कि मैं मुझे पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये मतलब ये लगा कि मुझे कुछ और सीखने को मिलता। जावेद जी, आप प्लीज़ इनसे रोज़ मिला करें, कुछ सीखने का मौका मिले। जाहिर है, अब तो आपसे रोज़ मिल रहा हूँ तो आपसे कुछ सीखूंगा। वैसे आज आप इतने खूबसूरत लहजे से बात करें, आप देखिए अब एक बार मिले, रोज़ मिलेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा हमारा। वैसे आज आपने इतनी खूबसूरत हम से आगाज किया है ना, माशाल्लाह, वाकई नो डाउट। फिज़ा, मैं बहुत कम चीज़ें मतलब किसी की गाई हुई चीज़ें मैं नहीं गाता, क्योंकि अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जो मुझे मेरी तर्जें होती हैं, मेरी कंपोजिशंस होती हैं, मैं वो गाता हूँ। लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां को मैं अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं उनकी चीज़ें गाता हूँ। आप अमूमन देखते होंगे कि मैं मुखड़े तो नजर हटावा, अजय लखा नहीं हो अखियाँ दछा। अभी एक मेरा अमरीका से प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका नाम है ढोलना, उसमें बाकिर भाई ने, और उसके ओबामा स्पॉन्सर है नहीं, अच्छा। उसके यहाँ से है, अमेरिका से मेरा एल्बम आ रहा है, मैंने कहा ओबामा स्पॉन्सर हो, नहीं नहीं, फर्द शहजाद साहब हैं वहाँ, बहुत अच्छे ओबामा रैकेट्स तो नहीं है, नहीं नहीं, अच्छा। फर्द शहजाद साहब हैं, अच्छा। तो वो कर रहे हैं जो मेहदी हसन साहब को जिन्होंने गाई ना चीज, जी 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 जी, कौंपले फिर फूट आई शाख पर कहना उसे, जी जी, दूसरी चीज़ खुली जो आंख वो था ना वो जमाना था, उनकी गाय मतलब उनकी लिखी हुई चीजें, शिद्दत से वेट करेंगे हम। माशाल्लाह, मैं और मैं आपको फिर एक और बात कहना चाहूंगी, आज आपके जो लहजे में ना एक शदीद खूबसूरती है, माशाल्लाह, मजा आने वाला है इस प्रोग्राम में, मुझे मुझे उम्मीद है, और वैसे ही रोज इतना आता मुझे है, शक है, मुझे शक है आप मजा ला के छोड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज, बहुत फरमाइश आई है, आज कोशिश कीजिएगा अगर आप अपना बैग दिखा सकें, कि सब देखना चाहते हैं कि आपके बैग में फ्लूट्स की और क्या क्या वैरायटियां हैं, क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या क्या मतलब किस किस्म की लकड़ियों की चीज़ें बनी हुई हैं। और मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कि आपका बैग बड़ा नीट है, अंदर से बड़े मतलब चीज़ों को एक हिसाब से तरतीब से रखा हुआ है,
तो उस हिसाब से जो है वो आपकी चीजें जरा आज फरमाइश आई है, तो मैंने कहा खास आप हमें ब्रेक के बाद दिखा सकते हैं। अभी जरा मैं रुख इधर करती हूँ। इकरा जो है आज सफेद कपड़े पहन कर आई है और बड़ी प्यारी सी लग रही है। इकरा कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? मुबारक आपको भी। अच्छा मुझे बताओ क्या बन रहा है आज? आज हम चॉकलेट ट्रफल्स बना रहे हैं। चॉकलेट ट्रफल्स, बहुत आसान था बोलना, मैंने खुद ही आज तो आपको डॉक्टर इकरा कहना चाहिए। माशाल्लाह कपड़े आपके बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर इकरा, ये अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। चलो तुम ये जो खाने पीने की चीजें हमें खिलाती हो, मजे मजे की चीजें बनाती हो, तुम उसकी डॉक्टर ही हो, सारी रेसिपी तुम ही जानती हो। वैसे फिजा इसको बहुत क्रेडिट जाता है कि हर दिन एक चीज नई लेके आनी और एक नया, मतलब हम तो बहुत चूजी है खाने में, हम इस तरह की चीजें मतलब कम ही खाते हैं, बहुत कम, लेकिन हम रोज खा रहे हैं तो हमें अच्छा मतलब गले को भी कोई ऐसी चीज नहीं। बाकिर भाई की भी बौंसली साफ होती जा रही है ना? पता नहीं है क्या दिन ब दिन डालती जा रही है। क्या बात है। अच्छा, इकरा, गले के मुझे एक चीज बता जो बात किए जा रहे जी ने, करेले के जूस से कोई रेसिपी बनती है, कोई कॉकटेल टाइप कोई चीज बनती है या नहीं? बना देंगे, इसमें क्या बना देंगे। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ उससे खून साफ होता है? वैसे मैंने सुना है करेलों को नमक लगा के पानी में रखो तो उसकी कड़वाहट भी निकल जाती है, जो पानी है उसको वैसे भी हर्बली अगर हम पिए आपके खून साफ हो जाता है। आपके जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना वो आपके खून साफ करते हैं, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप उनको रॉ खाएं तो रॉ वेजिटेबल्स सबसे अच्छी है ना। हम इसी बात के साथ जो है हम जरा ब्रेक पे निकलते हैं, मगर कॉकटेल का बता दीजिए कॉकटेल में क्या होगा। कॉकटेल आज ब्लू लगून है, ठीक है, ये एक लेमनी सी कॉकटेल है, ठीक है, इसमें लेमन डालेगा, थोड़ी खट्टी खट्टी होगी, थोड़ी खट्टी, गले तो नहीं खराब करेंगे? नहीं गले नहीं, जावेद जी ने आज मुझे बहुत कुछ सुना था। नहीं मैं इनकी सेहत सोच के अपनी ड्रिंक्स बनाती हूं ताकि इनकी गला ना खराब। बस ठीक है, हम कॉकटेल के इंतजार में रहे, वो बहुत जरूरी है, एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा मिलेंगे। आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत बड़े खूबसूरत खूबसूरत बड़े बड़े नाम स्टार्स हैं और हमारे साथ दो दो शाजी हैं, दो शाजी, ओए हो, थोड़ा सा डिफरेंट आज आपको माहौल यहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे मजाक होंगे, जुगतों की भी हम थोड़ी सी जो कॉन्टीन्यूटी है वो साथ रखेंगे और फन तो ऑब्वियसली आपको आने ही वाला है। ज़रा बताती चलूँ कि अलहमरा लॉन के जोड़े आज भी आपको मिलेंगे और कल मेरी एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके ख़ास शिकायत की तो मैं आज वो लाइव बोलना चाह रही हूँ। मेरी दोस्त सना, उन्होंने कहा कि मैं अपना फ़ोन जो है लेके घूमती रही हूँ और आपकी स्क्रीन पे आपके नंबर्स जो थे वो बहुत कम चल रहे थे, तो आज हमारी स्क्रीन पे हमारे नंबर्स जो हैं स्क्रॉल कोशिश करूँगी कि हर दो मिनट के बाद हों ताकि आप देख सकें और नंबर्स पे आप कॉल कर सकें इजीली। तो अलहमरा जो है उसको मैं बांट रही हूँ, अलहमरा लॉन के खूबसूरत जोड़े, और आज भी मैंने यूसुफ शेख का डिज़ाइन पहना हुआ है, तो सिर्फ कॉल कीजिए, चांदनी याद और चांदनी बात मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके साथ हूँ चांदनी रातों में, खूबसूरत चांदनी बातें लिए मैं आपके साथ इस ब्रेक के बाद बहुत मज़े मज़े की बातें करने वाली हूँ। छोटा सा वक्फा अदा कर रहे हैं।